कोविड 2019 में गुजरात में आज सवेरे की परिस्थिति इस प्रकार से है कि आज जो नए केस आए हैं, 7 केस आए हैं और एक दुर्भाग्यवश एक मृत्यु भी कोविड 2019 के एक मरीज का हुआ है। और इस तरह से आज जो कुल टोटल केसेस जो गुजरात के पॉजिटिव हैं 95 यानी 95 केसेस हुए हैं, इसमें से 2 लोग क्रिटिकल हैं, वेंटिलेटरी केयर पर हैं, 75 लोग स्टेबल हैं और जैसे आप जानते हैं कि 10 लोग डिस्चार्ज भी होके घर वापस चले गए हैं। और इसके अलावा आज खास 2 चीज़ें कहना चाहेंगे कि एक तो वेंटिलेटर्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो उसके लिए हमने ऑर्डर्स भी प्लेस किए हैं, सरकार ने ऑलरेडी अब अपने पास अपनी परिस्थिति कंफर्टेबल है, लेकिन इसके उपरांत भी हम चाहते हैं कि और भी भगवान न करे अगर परिस्थिति खराब हो जैसे अन्य देशों में हो रहा है तो उसके लिए प्रावधान के और पूर्व तैयारी के रूप से हमने और भी बड़ी पैमाने में बड़ी संख्या में वेंटिलेटर्स के लिए प्रावधान किया है अभी, जो हमें थोड़े दिन में इसका डिलीवरी भी होने लग जाएगा। थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं गुजरात में, ऐसे काफ़ी बच्चे थे जिनको रेड क्रॉस सोसाइटी और सरकारी तंत्र दोनों के संयुक्त प्रयासों से 288 ऐसे बच्चे हैं जिनको ब्लड रक्त के यूनिट्स चढ़ाए गए हैं और ऐसे पेशेंट्स बाकी भी लोग हैं जो थैलेसीमिया के बीमार रोगी हैं उनको भी ये इसका फायदा हुआ है रेड क्रॉस और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के संयुक्त प्रयासों से। और वैसे ही 117 ऐसे बच्चे हैं जिनको थैलेसीमिया से पीड़ाते बच्चों को दवाई की भी व्यवस्था इस तरह से की गई है। और इसमें भी किसी और को भी ऐसे कुछ उन्हें सुविधा चाहिए, तकलीफ हो तो रेड क्रॉस सोसाइटी को कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा 104 जो नंबर है उस पर तो कांटेक्ट कर ही सकते हैं। इसी तरह से 1100 का जो हेल्पलाइन है ये खास करके क्वारंटीन आइसोलेटेड पेशेंट्स के लिए है, टेलीमेडिसिन टेलीकाउंसलिंग वगैरह, इसमें भी आज तक 742 जितने क्यूमुलेटिव कॉल्स आए हैं। कल जैसे कहा गया माननीय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके कल वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी एक बात कही थी कि जितना हो सके इन सभी पेशेंट्स के हम इम्यूनिटी, पेशेंट्स और कॉमन जो लोग हैं इन सब की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए खास करके आयुष मंत्रालय के द्वारा एक मार्गदर्शिका बाहर निकली है और इसको अगर आपको ट्विटर सोशल मीडिया पर फॉलो करना हो तो #yogathome, #stayhome, #staysafe और आयुष मंत्रालय के वेबसाइट से भी मिलेंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पर पूरे दिन गर्म पानी पीना, ये एक उन्होंने सलाह दी है। वैसे ही हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन को भी खाने बनाने में, रसोई में उसका उपयोग करने के लिए कहा गया है। इसी तरह से लवंग का जो पाउडर है, लौंग का पाउडर और साकर या मध, इस सबको मिक्स करके भी लिया जा सकता है। नस्य की बात की है कि दोनों नॉस्ट्रल्स में तल का तेल, नारियल का तेल या घी लगाने से भी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, खास करके जो विदेश में भी इसकी काफ़ी पॉपुलैरिटी लोकप्रियता आई है। ऐसे गोल्डन मिल्क यानी कि आधी चमची हल्दी हम 150 ml गर्म दूध में डाल के मिक्स करके इसे दिन में 2 बार लिया जाए तो इसके भी अच्छे इम्यूनिटी बूस्टिंग यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति में इससे बढ़ावा, एक अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है। तो ये सब इनपुट्स वहाँ से हमें बताए गए। और कल एम्स राजकोट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज राजकोट में हमें 43 वेंटिलेटर्स मिल चुके हैं, इनको भी हम कोविड हॉस्पिटल्स में यूज कर पाएंगे। इस तरह से हमारी पूरी तैयारी है। फिर से हम यही अनुरोध करेंगे कि अगर ये जो लॉकडाउन का जो शिस्त है, डिसिप्लिन है, हम सब मेंटेन करें। और खास अब सरकार ये अनुरोध कर रही है कि क्योंकि क्लस्टरिंग हो रहा है, सेकेंड फेज में है, तो ऐसे भी लोग कई सारे होंगे कि जिनके पास शायद 80% ऐसे लोग होंगे क्लस्टर के अंदर जो संक्रमण में आए हों, उनमें वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन लक्षण या कोई सिम्टम्स न दिखाई दे,
इसीलिए सबकी प्रोटेक्शन के लिए हम सब जो एक सिंपल कॉटन सूती कपड़े का मास्क अगर पहने, उससे जो है इस बीमारी का संक्रमण पर हम एक बिल्कुल एक ब्रेक लगा सकते हैं। नमस्कार। ये डिटेल्स बेहतर होगा कि वहां के म्यूनिसिपल कमिश्नर का जो रिपोर्ट है हम यहां पर उसे मंगवा के शाम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल्स के साथ देंगे, लेकिन ये बात जरूर है कि हमने उनको जिस केसेस जहां जहां पॉजिटिव आए हैं एनु मैपिंग पण ए लोको ए जाते पण कर्यु छे। इस सब की जो मैपिंग है उन्होंने खुद जीआईएस और उस तरह से मैप करके उन एरियाज का जो है उसका एक आकलन करके डिमार्केशन कर दिया है, और उस एरिया के अंदर स्ट्रिक्टली जो हमारी क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी है उसके चलते जो जो भी कड़क स्टेप्स जो भी वहां एक्शंस लेने हैं वो सब प्रक्रिया वहां पूरे जोर शोर से चालू है। मैडम, दूसरा सवाल ये है कि वहां एक डीमार्ट का एक बंदा उसका भी पॉजिटिव है और 1500 लोगों को क्वारंटाइन करने का ऐसे डीमार्ट नहीं है, तो क्या प्रशासन ये सोच रहा है कि ऐसी ओडी दे दी है वो कर दी है? ये इसमें अभी जो ऐसे केसेस ध्यान पर आ रहे हैं इसका इमीडिएट सॉल्यूशन यही है कि हम क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी को स्ट्रिक्टली करें। जितने भी लोग इस तरह से कांटेक्ट में या तो प्रस्थापित हुआ है या एक संभावना है कि इस तरह से डीमार्ट की दुकान पर उसके साथ कांटेक्ट में आए हो, ऐसी एक छोटी भी शंका हो, तो इन सबको बिल्कुल अपने आप को दूसरों के कांटेक्ट में नहीं रखना चाहिए। लॉकडाउन के चलते ये तो हो ही रहा है, होना चाहिए, लेकिन साथ में उस पूरे एरिया भौगोलिक एरिया को भी कॉर्डन करने का मतलब यही है कि यहाँ के लोग बाहर न जाएं, बाहर के लोग वहां न आए, और इसमें से जितने भी लोग सिम्टोमैटिक हैं हाउस टू हाउस वहां एक इंटेंसिव एक्टिव सर्वेलेंस भी चल रहा है, और जितने लोग कोई भी सिम्टम्स उनमें लक्षण होंगे कोई भी ऐसे ताप बुखार सर्दी गले में जुकाम वगैरह होगा उनका फिर हम लोग टेस्टिंग भी करेंगे, और थोड़े दिनों में हमारी एक मान्यता है कि हमारे रैपिड टेस्टिंग किट्स भी आ जाने चाहिए, तो उसको इस तरह से जहां जहां क्लस्टर जहां हमें लग रहा है कि हॉटस्पॉट भारत सरकार ने जो तैनात किया है ऐसे हॉटस्पॉट्स या फिर हमने जो आइडेंटिफाई एक पूर्व तैयारी के रूप से भी गुजरात सरकार ने जो नकी किया है ऐसे हॉटस्पॉट्स में भी हम थोड़े रैंडम टेस्टिंग भी करेंगे जिससे कि पता चलेगा कि कितने प्रमाण में ये वायरस कोविड 2019 का फैलाव हुआ है। नमस्कार।